बॉलीवुड फिल्म स्टारों के लव अफेयर की जानकारियाँ और किस्से कहानियाँ लगभग सभी को पता होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहला है टिकट खरीदने के मामले में भारतीय पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। इंडियन हर साल लगभग 3 अरब मूवी टिकट खरीदते हैं। दूसरा, आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसका प्रीमियम बीजिंग और शंघाई में रखा गया था। तीसरा, साल 1990 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे बॉलीवुड स्टार थे जो करोड़ों में फीस लेते थे। चौथा, नॉर्थ अमेरिका की टोटल फिल्म बिजनेस का 25% बॉलीवुड फिल्मों से आता है। पांचवा, आमिर खान की गजनी फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, और थ्री इडियट फिल्म्स बॉलीवुड की दूसरी फिल्म थी जिसने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। छठवा, शोले का क्लाइमेक्स सीन में रियल बुलेट चलाई गई थी जिसमें अमिताभ बच्चन बाल बाल बचे थे। सातवा, ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म है, जिसे अब तक 92 अवार्ड्स मिल चुके हैं। आठवां, हीरोइन फिल्म में करीना कपूर ने जितने महंगे कॉस्ट्यूम पहने थे उतने कभी किसी बॉलीवुड में किसी कलाकार ने नहीं पहने। इस फिल्म में करीना कपूर ने जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। डायरेक्टर मधुर भंडाकर ने उनके लिए 130 कॉस्ट्यूम बनवाए थे जिन्हें दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था। नौवां, तमिल फिल्म मोंदुरु मुदुची में श्रीदेवी ने रजनीकांत की मां का किरदार निभाया था, और उस समय श्रीदेवी की उम्र मात्र 13 साल की थी। दसवां, शोले का फेमस डायलॉग कितने आदमी थे को 40 रीटेक के बाद ओके किया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा।